बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोग को पसंद आएगा। आज का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ सुपर अफोर्डेबल मेकअप बिगिनर्स किट, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है डेली मेकअप यूज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड अफोर्डेबल, दिस इज़ द मेबिलिन क्लियर स्मूथ बीबी क्रीम। दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट बीबी क्रीम एंड इट्स वेरी गुड। इवन इसको अगर आप लगाएं तो आपको सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड एंड दिस इज इन नंबर टू नेचुरल कलर। और इसको लगाते साथ ही जो है स्किन बहुत स्मूथ फील करती है, तो उसके बाद जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरी किसी चीज़ को लगाने की। इसका मैं आपको दिखा भी देती हूँ एंड दिस इज सुपर अफोर्डेबल एज वेल। सो थोड़ा सा लगाने के साथ ही आपको टेक्सचर जो है इसका, ये देखें, सो डेली आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है दिस वन इज आल्सो फ्रॉम मेबिलिन एंड ये भी एक्सपेंसिव नहीं है। इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर, इसमें भी सनस्क्रीन है। सो इसको भी आप जो है डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और बिगिनर्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, के क्योंकि डेली आप जो है हैवी मेकअप तो नहीं कर सकते, तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना के हिसाब से एंड दिस इज़ लाइक चीप एज वेल। The next one is the pressed powder and this is the Bell. It is also not very expensive. It's like इसके साथ ये स्पॉन्ज मिलता है जो कि भी थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है। This is also for like beginners and this one also like the Etude moist finish packed natural beige number 2. This is my favorite, this one is my all time favorite. अगर आप खाली जो है रोजाना आप मेकअप के लिए थोड़ा सा परेशान होते हैं तो आप खाली सनब्लॉक लगा के या आप खाली बीबी क्रीम लगा के आप उसके ऊपर ये प्रेस पाउडर लगाइए और यू आर गुड टू गो। इसके अलावा जो है दिस इज़ द सुपर चीप जॉर्डिना ब्लश इन BO006 स्टनर एंड दिस इज़ आल्सो माय फेवरेट ब्लश। It's like peachy color. I hope कि आपको दिख रहा होगा and it's having like a mirror the back side. So this is also very good for beginners and this is the concealer, but concealer रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए वही चीज़ आ जाती है कि concealer हम रोज़ाना तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। This is also from Etude, but अगर आप लोग खाली स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, मॉइस्चराइज करने के बाद concealer को भी खाली यूज़ करते हैं तो, और उसके बाद this one, so ये भी आपकी एक मेकअप essential है जो कि आपके पास होनी चाहिए। सो कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी चीज़ की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉब का मस्कारा है, इट्स नॉट एक्सपेंसिव लाइक इट्स 500 और 600, बट दिस वन इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ इन नंबर 1
black. So this is like in the beginner's kit ke liye zaruri thing. And eyebrows ke liye ye jo maine banaya hua hai wax eyebrows ke liye, this is like very good. अगर आप लोग इसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए, सो मैं आप लोग के लिए बना सकती हूँ इसको, ठीक है. सो अगर आपके पास कोई भी ब्रो जेल वगैरह है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप जो है अपने मियाँ का या अपने हस्बैंड का जो है वैक्स जो बालों पर लगाते हैं वो भी चोरी कर सकते हैं थोड़ा सा लगाने के लिए रोज़ाना. इसके अलावा फॉर लाइक लाइनर अगर आपके पास नहीं है, सो दिस इज़ लाइक द रिवाज यूके काजल, एंड इसको आप काजल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके साथ आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइनर नहीं है तो लाइनर ब्रश बिगिनर्स किट में लाजमी होना चाहिए. आप इसके साथ जो है लुक अपना क्रिएट कर सकते हैं. सो आपको इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है अपने बिगिनर्स किट में, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा जो है परेशानी का शिकार हो जाए. सो आप लाइनर ब्रश लेके सिंपली जो है इसके साथ ये देखें मज़ेदार सा जो है लाइनर लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज लाइक टिप हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके. और इसके अलावा एक अदद ब्लश का जो ब्रश है वो भी आपके पास होना लाजमी है बिगिनर्स किट में. और लिप ग्लॉसेस भी आपके पास बिगिनर्स किट में होना ज़रूरी है. ये जो आइटम्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये उनके लिए है जिनको अभी मेकअप का इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से डेली अगर वो जॉब के लिए जाती हैं तो इतना हैवी मेकअप जो है बंदा नहीं कर सकता. सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दीज आर लाइक परफेक्ट थिंग्स फॉर डेली यूज़. आई होप कि आज का वीडियो भी हेल्पफुल होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा. सो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए. बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसके अलावा शेयर भी कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.